बेटा सो आपके साइंस का चैप्टर सेकंड का लास्ट सेकेंड टॉपिक है सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स, ओके, कि कैसे जीवित रहते हैं वो ऐसे स्थान में, देखिए एक्सट्रीम्स में। हाउ हैज़ द पोलर बियर विच लिव्स इन आइसी कोल्ड कंट्रीज अडाप्टेड इट्सेल्फ टू इट्स सराउंडिंग, वो कैसे अपने आप को उसमें ढालते हैं उस देश में, वो बर्फीले ठंडे जगह पर। कौन करता है बेटा? पोलर बियर। कैसे? आपने नोटिस द कलर ऑफ द कोट एंड द थिक फरे हेयर ऑन इट्स बॉडी। क्या आपने कभी नोटिस किया जो उनके कोट है, कोट मीन्स क्या होता है? परक। थिक मीन्स मोटे, फरे मीन्स पर, ठीक है। रोएं जो उनके होते हैं, उनके बाल जो होते हैं उनके बॉडी पे, आपने कभी उनके बॉडी के बाल को नोटिस किया, उनके परत को कैसे होते हैं, मोटे होते हैं? हाउ डज दैट हेल्प इट सर्वाइव, वो उनकी कैसे मदद करते हैं जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीवित रहने में कैसे उनकी मदद करते हैं। द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट आर द वर्ल्ड टफेस्ट एरिया टू सर्वाइव इन। ये एक्सट्रीम में, ठंड और गर्म में, ज़्यादा ठंड गर्म में, वर्ल्ड का टफेस्ट सबसे कठिन क्षेत्र है कि जो उसमें वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, चरम सीमा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेंगुइन्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशियन, ठीक है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ऑल ओवर देयर बॉडीज एंड वाटर प्रूफ कोट ऑफ फैदर्स टू हेल्प देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। पेंगुइन के जहाँ पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ठंड होती है कोस्ट आर्कटिक अंटार्कटिक ओशियन में, देन हैव, आप उनको मालूम है कि उनके पास थिक लेयर परत के क्या होते हैं, फैट ऑल ओवर हेयर, उनके बॉडी के जो हेयर होते फैट होता है, मोटा होता है उनका देयर बॉडी का, और उनका जो बॉडी होती है कैसी होती है, वाटर प्रूफ उनके परत होती है, बॉडी के जो पर होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, जो उनकी हेल्प करती है वहाँ पे ठंडे कंडीशन, ठंडे क्षेत्र में रहने में, सर्वाइव करने में, ठीक है। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड बट दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, वे फ्लाइटलेस बर्ड होती है, कैसी होती है, फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकती, वो ऐसे पक्षी हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, बट वो तैराक है मतलब तैरने में बहुत तेज हैं, ठीक है। द फरे हेयर ऑफ माउंटेन गोट्स टर्न वाइट इन विंटर मेकिंग इट हार्ड टू स्पॉट अगेंस्ट द स्नो लियोपार्ड इन द हिमालयस हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन हंटेड बाय मैन फॉर इट्स ब्यूटिफुल थिक फर कोट, ठीक है। कि फरी हेयर जो माउंटेन कोट्स गोट्स होती हैं, बकरियाँ होती हैं जो वाइट वाली वहाँ पे विंटर मेकिंग में, जो उनका स्पॉट होता है, एरिया होता है, उनके अगेंस्ट वहाँ पे स्नो बर्फ गिरती है, आप देख रहे हैं ये माउंटेन गोट कैसी होती है, बकरी ऐसी होती है, ठीक है। जो हिमालय पे आपके लियोपार्ड पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें मार दिया जाता है, किस लिए, इट हैज़ बीन हंटेड बाय मैन, आदमियों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि उन्हें ब्यूटीफुल थिक फर कोट के लिए, वो पर के लिए, जो फर होते हैं उनके, ये जो बाल होते हैं इनके मोटे बालों के थिक के लिए, ठीक है। एंड द याक इज़ लवली लॉन्ग हेयर्ड ऑक्स, जो याक है वहाँ पे उनके कितने प्यारे लंबे हेयर होते हैं ऑक्स के, ठीक है, बैल के। यू कैन टेक अ राइड ऑन इट, जिस पर आप सवारी करना पसंद करेंगे, टेक करेंगे, ठीक है। राइड मीन्स क्या होता है, सवारी, ठीक है। इफ़ यू गो टू द हायर हिमालय रीजन, जहाँ पे आप ठंडी हिमालय रीजन पे क्षेत्र में जाने के लिए आप उसकी सवारी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हीट, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कैमल्स आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल, कैमल आपका रेगिस्तान का सबसे बड़ा एनिमल है। विच हैव अडेप्टेड देमसेल्व इन मैनी वे टू लिव इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है रहने के लिए, अनुकूल कर लेता है उसमें रहने के लिए, ठीक है। अडेप्टेड में से अनुकूल करना होता है, मतलब उसमें ढल जाना होता है, ठीक है, वो देमसेल्व खुद को। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज और इवन अ मंथ, कैमल बिना पानी के कई दिन और कई महीने तक रह सकता है, ठीक है। बट व्हेन वाटर इट अवेलेबल दे कैन ड्रिंक ओवर, बट जब उन्हें वाटर अवेलेबल मिलता है तो वो ओवर 200 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में कम से कम वो 2 लीटर पानी ले पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं। दे हैव ब्रॉड पैडेड
फीट टू हेल्प देम वॉक इजली। क्या होता है, इनके पास ब्रॉड पैडेड चौड़े गद्देदार पैर होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं डेजर्ट सैंड में, रेगिस्तान में चलने के लिए, ठीक है, रेत में। ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म द कैमल नॉस्ट्रिल क्लोज अप टू ब्लॉक आउट सैंड, ठीक है। जब ड्यूरिंग जब तू रेतीली तूफान जो आपकी चलती है बेटा, तो उसके दौरान अपने नॉस्ट्रिल को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो स्टैंड हो उसे ब्लॉक बाहर कर सके, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स आल्सो इंक्लूड स्पाइडर, लिजार्ड एंड स्नैक। मैनी ऑफ दीज रेस्ट और टेक शेल्टर अंडर स्टोन ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट ओनली एट नाइट फॉर फूड। कुछ जो रेगिस्तान के जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्पाइडर, लिजार्ड, स्नैक, ऐसे हो गए, वो रेस्ट करते हैं अपने घरों में अंडर स्टोन, जो उनके पत्थरों का घर होता है जहाँ भी है, दिन में। और वो सिर्फ रात में खाने के लिए बाहर आते हैं, ठीक, फॉर फूड। कब आते हैं बेटा, रात में सिर्फ खाने के लिए आते हैं। स्पेशल एडेप्टेशन, इनकी स्पेशल एडेप्टेशन क्या है, मतलब विशेष अनुकूलन की अपने आप को कैसे करते हैं। देखिए, सम एनिमल्स हैव अ लर्न टू मर्ज और मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग और कैमोफ्लेज, ठीक है, देमसेल्व सो दैट दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली। आप सभी लोग, सब लोग, आप सभी कुछ एनिमल्स को ध्यान से देखे होंगे या फिर उनको सीखे होंगे कि उनके मर्ज कैसे अपने आप को मैच कर लेते हैं कलर के अकॉर्डिंग, ठीक, अपने आस पास के एरिया के अकॉर्डिंग कैसे कलर, जैसे कम्फ्लेस दिया गया है देमसेल खुद को, दैट दे कैन नॉट बी सीन क्लियर, जो आप ध्यान से नहीं कर पाते, क्लियर नहीं हो पाता, आपको देख नहीं पाते, ठीक है। दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित करते हैं फ्रॉम देयर इनेमीज, अपने दुश्मनों से। कैमोफ्लेज, ठीक है, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन आर स्पेशल फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन विच अ फ्यू एनिमल्स यूज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, जिनकी कुछ जानवर ऐसे हैं जो इनके अडेप्टेशन अनुकूल में रहना आदत होती है, ठीक, जीवित रहने की आदत होती है। इसे कैमोफ्लेज में देखेंगे आप, कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू चेंज इट्स कलर, टू ब्लेंड और मर्ज विथ इट्स सराउंडिंग। जो कैमोफ्लेज होते हैं उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता होती है उन जानवरों की कि वो अपने कलर को मर्ज कर सकते हैं। ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिश्रण करना, मिक्स कर सकते हैं, मर्ज और मिक्स एक ही है, ठीक है बेटा, अपने आसपास, ठीक है। इट मेकिंग इट्स हार्ड टू बी सीन और स्पॉटेड। द चमेलियन, आप गिरगिटान नाम का सुने होंगे, ऐसे जो एनिमल होते हैं उनका रंग चेंज होता रहता है, कलर चेंज होता रहता है। अ कॉमन गार्डन लिजार्ड, ये आपका कॉमन गार्डन लिजार्ड होता है, चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ट्री और बस बुश, मतलब अपने पेड़ों और झाड़ियों के अनुसार जहाँ पे वो बैठते हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर ईटन इन विच दे आर फाउंड, जिससे अपने जानवर, सॉरी, बाई बर्ड्स, ठीक है। ग्रॉस हॉपर आर ग्रीन इन कलर, ग्रॉस हॉपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन लाइक द सराउंडिंग ग्रास, आपके दिखने के आसपास जैसे घास होती है उनका कलर सेम वैसे ही होता है। इन विच दे आर फाउंड, जो पाए जाते हैं। स्टिक्स इंसेक्ट लुक लाइक द स्टिक्स ऑफ द ट्रीज ऑन विच दे सिट, इट मेक डिफिकल्ट फॉर अदर एनिमल टू स्पॉट देम, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ट्री का ही कलर का होते हैं, झाड़ियों के कलर का होते हैं, से लोग पहचान नहीं पाते हैं, जिससे कि अपना शिकार नहीं कर पाते। कैमोफ्लेज ऐसे ही होते हैं जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है। कैमोफ्लेज में यही होता है बेटा कि जो अपने आस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड एंड लैक of food, some animals survive the winter season by going into a kind of deep sleep called hibernation. ये मतलब एक्सट्रीम जो ड्यू है, मतलब कोल्ड लैक है, जहाँ पे ठंड होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और लैक कमी होती है खाने की, ठीक है, जानवरों को वहाँ पे बहुत ठंड होती है, उस सीज़न में क्या करते हैं वो लोग, बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, उसी को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन, उस दौरान जो हाइबरनेशन का टाइम होता है तो एनिमल्स की जो हार्ट बीट होती है, हृदय का जो होता है हार्ट रेट होता है वो कम, मतलब होता है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, और सांस लेना भी धीरे हो जाता है। मैनी, जैसे मैनी एनिमल्स इसमें लिजार्ड्स एंड स्नेक हाइबरनेट व्हेन इट बिकम्स कोल्ड
एंड वेक अप व्हेन द हॉट सीजन और स्प्रिंग अप्रोचेस। कुछ क्या होते हैं जैसे लिजार्ड हो गए, स्नैक हो गए, ये हैबिटेट मतलब उस टाइम के लिए क्या होते हैं, ठंड में वो क्या होते हैं, सो जाते हैं। वो कब उठते हैं, जब गर्मी का सीजन या बसंत ऋतु आता है तब। जैसे आप स्नैक वगैरह आप लोग देखते होंगे बहुत कम, आपको गर्मियों में ठंडियों में बहुत कम दिखता होगा, लेकिन गर्मियों में मोस्टली आप सभी को दिखता होगा ना, क्योंकि इन्हें कम खाने की ज़रूरत होती है उस टाइम पर, और ठंड में ये रह सकते हैं आराम से, और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। ठीक है, आपका लास्ट है माइग्रेशन। सम एनिमल्स मूव इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। माइग्रेशन मीन्स ये बताया गया बेटा कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं लार्ज नंबर में, जैसे एक साथ वन प्लेस से कल ठंडे जगह से गर्म स्थान पे जो प्लेस पे जाते हैं और भोजन के तलाश में और रहने के तलाश में, वो आपका माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। बर्ड्स लाइक द सिबेरियन क्रेन एंड द आर्कटिक टर्न आर आवर गेस्ट। ये सब आपके क्या होते हैं, गेस्ट होते हैं। सिबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न जो हैं ये आपके गेस्ट होते हैं, कि जो ठंडे प्लेस से गर्म प्लेस में आते हैं खाने और रहने की तलाश में। दे माइग्रेट एवरी विंटर, ये एवरी विंटर में हर ठंडियों के मौसम में, फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ओवर लैंड एंड सीज टू कम टू आवर कंट्रीज। ये अपने कंट्रीज में आते हैं, कितने कई हज़ारों किलोमीटर ऊपर लैंड करके, लैंड पर सीज से के थ्रू आते हैं, फ्लाई करके ज़मीन पर तैर के, ऐसे ये लोग हमारे देश में आते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा न्यू वर्ड से। आप सभी लोग इसको रीड आउट करेंगे। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन, एक्सटिंक्ट होल ग्रुप, होल ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट डाइंग आउट, हैबिटेट द होम और नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल्स लिव्स, सर्वाइव टू कंटिन्यू टू लिव एंड एग्जिस्ट, कॉम्फ्लेस टू हाइड बाय कलरिंग और चेंजिंग अपेयरेंस टू लुक लाइक द सराउंडिंग, हाइबरनेशन टू स्लीप थ्रू द विंटर इन अ डेन और बरो टू सेव एनर्जी, स्कैवेंजर एनिमल्स दैट फाइंड एंड ईट डेड एनिमल्स और रोटिंग प्लांट, पैरासाइट्स टीनी एनिमल्स दैट लिव ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ओके,